सभी शिक्षक साथियों का हमारे इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। देखिए, एमजीजीएस के अंतर्गत जो विभागीय योजनाएं पूछी जाने वाली हैं उनका पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर लिया है। ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें जितने भी देखिए बची हुई योजना है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछी जा सकती है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले देखिए, हमने 15 योजनाएं कवर कर ली है। 16वीं योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। ये 1998 के अंतर्गत सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसके अंतर्गत पात्र कौन है? तो कक्षा 10 के अंतर्गत वे बालिकाएं जिन्होंने 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वो सभी बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं। लाभ कैसे मिलेगा? तो अगर वो आगे अध्ययनरत रहती हैं क्लास 11 और 12 में, तो उनको प्रतिवर्ष 3,000 रुपये दिए जाएंगे बसंत पंचमी पर। तो ये इस योजना के अंतर्गत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं बालिका प्रोत्साहन योजना। ये 2008-09 सत्र के अंतर्गत आई थी। पात्र इसके लिए कौन है? तो 12वीं कक्षा के अंतर्गत 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका है, ये आप ध्यान रखिए। लाभ इसके अंतर्गत क्या है? लाभ है उनको बसंत पंचमी पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है आपकी बेटी योजना। ये देखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट योजना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कब आई थी? ये आई थी 2005 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पात्र कौन है? आपकी बेटी योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं, बीपीएल परिवार से जुड़ी और अनाथ परिवार से जुड़ी, ये सभी जो बालिकाएँ होती है वो इसके लिए पात्र होती हैं। अब अगर हम लाभ की बात करें तो देखिए कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, जो बालिकाएं होती हैं जिनका संबंध इस कैटेगरी से है, जो राजकीय विद्यालय में पढ़ती है, बीपीएल और अनाथ हैं, तो उन्हें कक्षा 1 से 8 तक प्रतिवर्ष 2100 रुपये और 9 से लगाकर 12वीं कक्षा तक 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ष आपको जरूर ध्यान रखना है, 2005 के अंतर्गत ये योजना आई थी। आगे देखते हैं आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-05। तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाएं इसकी इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभ क्या है? 9 से 12वीं कक्षा तक, ठीक है, प्रतिवर्ष उनको 2,000 रुपये दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है नेत्रहीन व मूक बधिर आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इसका प्रारंभ 2005-06 के अंतर्गत हुआ था और इसके अंतर्गत लाभ इस योजना के नाम से हमें पता चल रहा है, नेत्रहीन और मूक बधिर बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनको ये इस योजना का लाभ मिलता है कक्षा 1 से 12 तक प्रतिवर्ष 2,000 रुपये। आगे यहाँ पर है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 2010-11 सत्र के अंतर्गत ये आई थी। पात्र कौन है? ऐसी बालिकाएँ जो कक्षा 8, 10 और 12 के अंतर्गत जिला स्तर पर फर्स्ट रैंक लेके आती हैं, वे ही बालिका इसके लिए पात्र हैं। तो कक्षा 8 में जो बालिका फर्स्ट स्थान लेके आई है तो उसको राशि दी जाती है 40,000, 10वीं के अंतर्गत है 75,000 और 12वीं के अंतर्गत है 1,00,000 प्लस स्कूटी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बालिकाओं के लिए है। आगे देखते हैं, ये भी देखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट ये योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। ये वर्ष 2015-16 के अंतर्गत ये आई थी। पात्र कौन है? तो 10वीं कक्षा में जिला स्तर पर पहला व दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिका, पहला स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ बालिका और पहला स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल बालिका इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अंतर्गत लाभ क्या क्या है? अगर वो क्लास 11वीं के अंतर्गत पढ़ती हैं तो उसको 15,000 रुपये, 12वीं के अंतर्गत अगर पढ़ती हैं तो 15,000 रुपये। इसके अलावा बीए हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी के अंतर्गत फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो उसको प्रतिवर्ष 25,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन ये जो पात्रता है वो उसको अर्जित करनी होगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये है मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना 2015-16, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, ट्रांसफ़र वाउचर योजना 2007-08, विद्यालय दूरी अधिक तो किराया देय होगा।
कक्षा 1 से 5 के जो छात्र हैं, अगर उनका विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूर है, तो सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन्हें 10 रुपये। कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं, अगर 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी है, तो उन विद्यार्थियों को 15 रुपये। और 9 से लगा अगर 12 के जो बालिकाएं हैं, अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है, तो उसको 20 रुपये दिए जाते हैं प्रति कार्य दिवस पर। ठीक है, मतलब जब जब वो स्कूल आती हैं, उस दिन का उसको किराया भत्ता मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिए, साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत जो लाभ लेने वाली बालिका है, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप सभी को बताया, साइकिल जो वितरित की जाती है, वो कक्षा 9 की बालिकाओं को की जाती है। तो 9 से लगाकर 12 वर्ष की जितनी भी बालिका हैं, जिन्होंने साइकिल वितरण योजना का लाभ उठाया है, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए, साइकिल वितरण योजना 2007-08। देखिए, ये शायद पहले की कोई योजना हो सकती है, लेकिन बाद में एक योजना मैंने चेक भी किया है कि जो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है, उसके अंतर्गत 2011 का वर्ष बता रहा है। तो आप भी एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना वो 2011 है, और पात्र कौन है, तो कक्षा 9 की बालिकाएं, ठीक है, राजकीय। मेरे पास में पुराने नोट्स थे, उसके अंतर्गत ये भी दे रखा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सत्र दे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। 7-8 सत्र ना हो, और 2010, 2011, 2012 या फिर 2015 ऐसे दे रखा हो, तो 2011 निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का होगा। आगे हम देखते हैं, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कक्षा यहाँ दे रखी है, प्रीमियम दे रखा है और बीमा राशि दे रखी है। तो नर्सरी से लगाकर कक्षा 8 तक के बच्चों को से लिए जाने वाला प्रीमियम 25 रुपये, बीमा राशि है 50,000। कक्षा 9 से 12 के बच्चों का प्रीमियम है 50 रुपये और बीमा राशि 1 लाख रुपये। कॉलेज वाले छात्रों से 100 रुपये प्रीमियम और 2 लाख का उनका दुर्घटना बीमा है। तो बीमा राशि है ये 2 लाख रुपये। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इन योजनाओं के संबंध में। अब देखिए, इनके अलावा भी कुछ योजनाएं जो लेटेस्ट की हैं, वर्ष 2023-22 की, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो लेटेस्ट वाली जो कोई भी छूट गई योजनाएं, उनके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो उसका वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द हमारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी वो वीडियो आ जाए 1-2 दिन में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में मेरे हिसाब से विभागीय योजनाओं का जो कंप्लीट मैटर है, वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप पार्ट फर्स्ट को भी चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।